प्रिंट है, फर्स्ट नंबर इज पर्सन डी एंड सेकंड नंबर इज पर्सन डी, और पहले पर्सन डी में आएगा फर्स्ट नंबर, दूसरे में आएगा सेकंड नंबर। अब सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं, यहाँ पे बिल्ड एंड रन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बता रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे 50, उसके बाद बता रहा है एंटर सेकंड नंबर, सेकंड हम लिखेंगे 60। तो जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है फर्स्ट नंबर इज 50 एंड द सेकंड नंबर इज 60, इट मींस दैट इट इज स्टोरिंग आवर नंबर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की क्लास में हमें पढ़ने हैं, सी की प्रोग्रामिंग क्लास है, तो आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स। तो हम इसको इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो इफ होता है, दूसरा एल्स होता है। तो दोनों कंडीशंस में हम कैसे वैल्यूज़ पास करते हैं और कंडीशन कैसे देते हैं, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, जिस तरह हम रोज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे कंसोल एप्लीकेशन, देन यहाँ पे सी सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे, प्रोजेक्ट का टाइटल। तो यहाँ पे मैं नाम रखने वाला हूँ इफ एल्स प्रोग्राम। तो ये मैंने इफ एल्स प्रोग्राम नाम रखा एंड विल क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं सोर्सेज पे, जिस तरह रोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे इस चीज़ को हटा देते हैं। अब डायरेक्टली ये वाली चीज़ें तो हमारे पास खुद ही आ जाती है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड स्टूडियो एस टी डी यानी लाइब्रेरी। तो ये दोनों चीज़ें हमारी खुद ही आ जाती है, तो ये मैंने एक्सप्लेन की हुई है पहले ही। तो आज हमें डायरेक्टली पढ़ना है इफ एल्स। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि इफ एल्स स्टेटमेंट, ई एल एस स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम सिंपल सा एक प्रोग्राम लेंगे जिसमें हम वैल्यू भी यहीं से देंगे, इनिशियल वैल्यू, और उसको रन भी कराएंगे खुद ही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं क्योंकि वेरिएबल चाहिए होगा, तो इस इंटीजर का नाम हम रखते हैं फर्स्ट। तो ये आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक। तो ये मैंने एक इंटीजर ले लिया, समझ आ रही है बात। तो देन व्हाट वी विल डू, उसके बाद हम यहाँ पे इफ कंडीशन को यूज करेंगे, ठीक। या तो आप इस फर्स्ट को यहीं पे वैल्यू भी पास कर सकते हैं, पहली बार तो हम यहीं पे वैल्यू भी दे देंगे इसको, यानी इंट फर्स्ट इज इक्वल टू 10, यहाँ पे हम 10 देंगे, ठीक है। तो 10 इज ए वैल्यू, ये आ रही है समझ। इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन मैंने पूरी यहीं पे कर दी। अब यहाँ पे जब हम इफ यूज करेंगे तो इफ इज ए फंक्शन, तो फंक्शन के आगे ये दोनों ब्रैकेट जरूरी है, समझ आ रही है बात। तो इसी के अंदर हम फिर कंडीशन दे देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इफ फर्स्ट, अब जो इंटीजर का नाम है वही यहां पे यूज होगा, इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन 10, या हम लिखेंगे इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन 100, यहां पे आप डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हो, बात आ रही है समझ। या आप एक काम कर लो, ऊपर दो वेरिएबल ले लो, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। चलो पहले ये वाला करते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे, ठीक है। हमने क्या लिया, फर्स्ट, इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन 100, तो उसके बाद यहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने हैं क्योंकि ये तो होगी यहां तक कंडीशन। अब इसका स्टेटमेंट यहां पे रन होगा, यानी करना क्या है, अगर ये ठीक हुआ तो यहां पे क्या करना है, अगर गलत हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है, तो मैं यहां पे प्रिंट एफ यूज करूंगा, प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। इसका सिंटैक्स मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन कर रखा है, पहली क्लास में। तो यहां पे हम प्रिंट एफ में क्या देंगे, यहां पे हम देंगे द नंबर इज एन यू एम सॉरी नंबर इज जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, द नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 100, यहां पे आप डायरेक्टली 100 दे दो, समझ आ रही है बात। ये आप मैसेज यहां पे कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद यहां पे पर्सन डी दे दो, अगर आप नंबर भी दिखाना चाहते हो तो यहां पे आप पर्सन डी यूज कर लो। क्या करेंगे यूज, पर्सन डी एंड यहां पे कॉमा शबाश फर्स्ट, समझ आ रही है बात, देन वी विल क्लोज इट। यहां तक आया समझ, है ना, इजी। तो अब अगर हम खाली इतने ही को, मतलब इसी इन्हीं तीन चार लाइन को प्रिंट करते हैं यानी रन करते हैं, तो ये रन हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बिल्ड एंड रन करता हूँ, तो आप देख लीजिए हमारा आंसर डायरेक्टली यहाँ पे क्या आया, कुछ भी नहीं। व्हाई, एग्जैक्टली, तो ये मैसेज ही नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट को हम यहाँ पे कर देते हैं 101, समझ आ रही है बात। आप ये ग्रेटर बना ना, तो चलिए आप करते हैं रन। यहाँ पे आज हम F9 प्रेस नहीं कर सकते, ये देख लीजिए आप, द नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 100, सो बिकॉज द नंबर इज 101। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी यहां पे आप लिख सकते हो पर्सन डी के बाद यहां पे लिखोगे बिकॉज द नंबर इज, नहीं, बिकॉज द कंडीशन इज
पर्सन डी। अब यहां पे वापस बिल्ड और रन करो, तो यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए क्या दिखा रहा है, द नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 100 बिकॉज द कंडीशन इज 101। समझ आ रही बात, यानी जो हमारा नंबर वैल्यू है वो है 101 के बराबर, तो ये बराबर नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, प्रिंट क्या करना चाहते हो आप, ये आपकी मर्जी है। समझ आ रही बात, यहां पे आप डायरेक्टली इतना ही प्रिंट भी कर सकते हो, द नंबर इज क्या, द नंबर इज, बस इतना काफी है, द नंबर इज पर्सन डी, यानी जब वो 101 है तो इट मींस दैट यहां पे क्या है, द नंबर इज पर्सन डी, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा 101, तो इट मींस दैट कि दिस इज नॉट ग्रेटर देन 100, ये दिस इज ग्रेटर देन 100। बात आई समझ। अब दूसरी चीज जो हम इसमें एलस यूज करते हैं, एलस में हम दूसरा वैल्यू दे देते हैं, एलस अगर हमें दो ही चीजें रन करनी है देन वी विल डायरेक्टली यूज एलस। अब अगर हमें दूसरी कंडीशन भी यहां पे देखनी है तो देन यहां पे एलस इफ यूज होगा, तो पहले हम यहां पे एलस यूज करेंगे। समझ आ रही है, तो एलस में हम डायरेक्टली प्रिंट एफ देंगे, क्या देंगे प्रिंट एफ, क्योंकि एलस में आप कंडीशन की कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, द नंबर इज आपकी मर्जी, द नंबर इज यहां पे पर्सन डी यूज कर लो एंड देन कॉमा करके फर्स्ट, ठीक है, दोनों जगह पे मैं यही लिख रहा हूं, व्हाई, बिकॉज मैं यही से वैल्यू चेंज करूंगा, फर्स्ट का मैं दे रहा हूं 99, तो इट मींस दैट कि कौन सी कंडीशन रन होनी चाहिए, इफ या एलस, एलस होगी ना, क्यों, क्योंकि वैल्यू हमने यहां पे क्या कंडीशन दी है, इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन 100, अगर ये 100 से ग्रेटर हुआ तो ये तो लेस देन है, तो इट मींस दैट कि दिस कंडीशन इज ट्रू। हाँ, यहां पे आप इस तरह भी लिख सकते हो, द कंडीशन इज फॉल्स, यहां पे लिखोगे ट्रू, द कंडीशन इज, यहां पे लिखेंगे द कंडीशन इज ट्रू, द कंडीशन इज ट्रू, अगर ये चीज सही हुई, ठीक है, यहां पे हम देंगे पहले 101 या 199 दे दो। समझ आ रही है, तो इट मींस दैट कंडीशन इज ट्रू, तो ये वाली चीज जो है रन होगी। अब अगर यहां पे हमें कंडीशन फॉल्स हुई तो यहां पे क्या लिखेंगे, द कंडीशन इज फॉल्स, बात खत्म, द कंडीशन इज फॉल्स, आया समझ। अब देखो अगर हम यहां पे इसको रन करते हैं वापस, बिल्ड एंड रन करेंगे, तो यहां पे देख लो, द कंडीशन इज ट्रू बिकॉज द वैल्यू इज 199। अब जब हम यहां पे वैल्यू चेंज करेंगे, यहां पे 199 की जगह आप खाली 99 दे दो, तो अब ये इससे छोटा हो गया, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब क्या आएगा, यहां पे जैसे हम इसको रन करते हैं तो यहां पे वैल्यू जो है, द कंडीशन इज फॉल्स बिकॉज द वैल्यू इज 99। समझ आ रही है बात, आया समझ, इफ एल्स क्या होता है, इजीली हमने किया, तो ये तो हो गया। हाँ, कोई क्वेश्चन, स्टेटमेंट आप लिखोगे होना क्या चाहिए वो आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे, यहाँ पे एलस हम लिखते हैं, यानी इफ का दूसरा पार्ट जो है दैट इज एलस, इसको हम बोलते हैं अगर ये नहीं तो ये, इफ का मतलब होता है अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली रन हो जाएगी, फिर तो ये यहां पे जाएगा ही नहीं। अब अगर ये गलत हुई यहां पे तो अब ये जाएगा एलस पे, तो एलस को क्या कैसे लिखना है आपको, आप लिखोगे स्पेलिंग ई एल एस ई देन ब्रैकेट यहां पे स्टार्ट करोगे और यहां पे आपका दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे, मतलब एलस के पीछे यहां पे, नहीं नहीं वो तो गलत, फर्स्ट कंडीशन में कहा हमने यूज किए, कहां पे, हाँ तो ये देखो ये तो है ना इफ, इफ के ये दो हो गए, अब एलस के ये दो आ जाएंगे, आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये दो जो है ना, आप इस चीज को अभी इग्नोर करो, इस चीज को यहां से लेकर यहां तक कंडीशन को आप रहने दो अभी, तो ये है इफ, इफ स्टार्ट होता है यहां से, यानी इस इफ का स्टेटमेंट यहां से हो गया, एलस का स्टेटमेंट यहां इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। समझ आया, तो यहां पे आप ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको पहले ये लिखना, वो तो फिर इफ के अंदर ही आएगा ना, फिर तो आप इसके अंदर लिखना, मतलब आप समझो कि आप इसके अंदर लिख रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली रन हो जाएगी, अगर फॉल्स होगा तो तब उसके बाद यहां पे ये वाली रन हो जाएगी। बताइए समझ, तो इस तरह आपको लिखना है, यही सिंटैक्स है, प्रॉपर सिंटैक्स, ठीक। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम। इसके साथ हम दूसरी चीज यहां पे करेंगे, मैं यहां पे और एक इंटीजर लूंगा जिसका नाम रखूंगा सेकंड, SEC, इतना काफी है, ठीक है, लेकिन स्मॉल में, ठीक। सेकंड में मैं दूंगा वैल्यू जैसे कि 90, ये मैंने दो वैल्यूज ले ली। अब यहां पे मुझे फिर वैल्यू पास नहीं करना है, मुझे SEC लिखना है, क्यों,
हमने दोनों डिक्लेयर किए, एक इंटीजर जिसका नाम फर्स्ट है उसका वैल्यू 99 है, दूसरा इंटीजर जिसका नाम सेकंड है उसका 90 वैल्यू है। अब मैं यहां पे लिखूंगा इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, अगर पहला ग्रेटर देन है सेकंड से, तो मैसेज जो है वो ये वाली प्रिंट हो जाएगी कि अब हम यहां से क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज देंगे, यानी पहले दो इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, देन इफ के बाद यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट, इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, तो यहां पे कंडीशन चेक होगी, देन कंडीशन इज ट्रू एंड परसेंट ही यहां पे फर्स्ट वैल्यू आएगा, यानी फर्स्ट ही ग्रेटर है। अब यहां पे एल्स, एल्स में हम क्या देंगे, एल्स का मतलब होता है कि अब अगर फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड से नहीं है, यानी इट मींस दैट कि सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, एल्स का मतलब यही होता है, बात आई समझ। इफ का मतलब क्या है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाली रन हो जाएगी। एल्स का मतलब होता है कि सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, यानी कंडीशन इज फॉल्स, तो यहां पे कंडीशन इज फॉल्स, परसेंट यहां पे फर्स्ट की जगह हम क्या लिखेंगे सेकंड, क्यों, क्योंकि यहां पे परसेंट एंड देन कॉमा, तो यहां पे कॉमा करके लिखेंगे भाई सेकंड, समझ आया। तो इससे क्या होगा, अब सेकंड वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेव करते हैं एंड यहां पे इसको बिल्ड एंड रन करेंगे, तो अब देख लीजिए आप हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, तो यहां पे ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहां पे हम इसको क्लोज कर देते हैं, अब यहां पे कर देते हैं जैसे कि 89, तो इसको सेव कर लो एंड देन यहां पे बिल्ड एंड रन करो। जब हम बिल्ड एंड रन करेंगे तो अब क्या बताया था, कंडीशन इज फॉल्स एंड रिजल्ट इज 90, यानी 90 इज ग्रेटर देन 89, ठीक, दोनों सही है। चलो फिर यहां तक आया समझ। अब हम क्या करते हैं, जिस तरह हम पहले क्लास में हम यूजर से जब जिस तरह हम वैल्यूज लेते हैं, तो अब इसमें भी हम क्या लेंगे, यूजर से वैल्यू। तो वो कैसे करते हैं, वो बहुत ही इजी है, यहाँ पे आपको इन दोनों के वैल्यूज हटाने हैं, समझ आ रही है, यहाँ पे इन दोनों के वैल्यूज हटाएंगे और उसके बाद सबसे पहले इन वेरिएबल्स का वैल्यू लेके आएंगे यूजर से। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्रिंट एफ यूज करेंगे जिस तरह एज यूजुअल जिस तरह हम करते हैं। तो प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स एंड देन दिस थिंग, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर N U M B E R इस तरह लिखते हैं, ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये हमने पहला नंबर यूजर से लिखवाया। अब क्या करेंगे, इसको सेव, इसको क्या करेंगे सेव, सेव करने के लिए क्या करेंगे S C A N scan F और उसके बाद ब्रैकेट्स एंड देन यहां पे, अब नंबर कौन सा है, डेसिमल नंबर, तो परसेंट यूज करेंगे, ठीक है, कॉमा के बाद उसको स्टोर किस में करना है हमें, फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट नंबर लिखा जाएगा तो उसको स्टोर करेंगे फर्स्ट में, वेरी गुड, यहां पे एम परसेंट यूज होगा, ठीक है, यानी एड्रेस, इसको बोलते हैं असल में एड्रेस ऑफ द फर्स्ट, यानी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब यहां पे फर्स्ट लिखा है, यानी इसका मतलब होता है ये जो नंबर लिखेगा वो डेसिमल नंबर होना चाहिए और वो स्टोर होना चाहिए फर्स्ट में, इसीलिए इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, इस तरह भी आप इसको रीड कर सकते हो, या एम परसेंट फर्स्ट पढ़ लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आना चाहिए क्या लिखा है मैंने। तो यहां पे दूसरा प्रिंट अब यूज किया जाएगा सेम इसी तरह, और यहां पे लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे थोड़ी सी स्पेस और यहां पे क्लोज, उसके बाद एंटर सिकेन एफ, वापस सिकेन एफ के अंदर क्या लिखेंगे, वापस परसेंट डी, क्योंकि ये भी डेसिमल नंबर ही होगा, सही है गलत है, देन यहां से वापस जाएंगे और कॉमा करके एड्रेस ऑफ द सेकंड, समझ आया, है ना, इजी। तो दोनों नंबर आ गए, अब क्या करते हैं यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हम क्या करेंगे और एक प्रिंट एफ लेंगे टेस्ट करने के लिए, दिस कॉल्ड टेस्टिंग, क्या हमारे नंबर सेव होंगे या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्टिंग मेथड है, हम प्रिंट एफ यूज करेंगे और यहां पे लिखेंगे एन यू एम नम, या एन यू एम पूरा लिखो, नंबर वन, नंबर वन इज, यानी नंबर पहला नंबर जो है वो ये है, या फर्स्ट नंबर इज, ठीक है, वही बेहतर रहेगा, नंबर वन इज, ये जैसे वो लग रहा है फर्स्ट नंबर इज, ठीक। अब यहां पे यूज क्या करेंगे बेटा, परसेंट डी, परसेंट डी, और उसके बाद यहां पे पहले से हम लिख के रखेंगे, शाबाश, क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे ना, उसके बाद यहां पे इसके अंदर वापस आ जाएंगे, ठीक है, यहां पे एंड यूज करेंगे द सेकंड, शाबाश, नंबर इज, उसके लिए भी क्या करेंगे यूज, परसेंट डी, और उसके बाद यहां पे आएंगे कॉमा के बाहर और यहां पे कॉमा फिर से लगाएंगे एंड एस ई सी लिखेंगे। तो ये है टेस्ट करने का तरीका, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला नंबर प्रिंट हो जाएगा और यहां पे क्या हुआ? इसको हम हटा देंगे इफ एल्स को, ये अभी हमें जरूरत ही नहीं है, प्रिंट है फर्स्ट नंबर इज परसेंट डी एंड सेकंड नंबर इज परसेंट डी,
और पहले परसेंटी में आएगा फर्स्ट नंबर, दूसरे में आएगा सेकंड नंबर। अब सेव करते हैं और एक बार रन करते हैं, यहाँ पे बिल्ड एंड रन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे बता रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे 50, उसके बाद बता रहा है एंटर सेकंड नंबर, सेकंड हम लिखेंगे 60। तो जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है फर्स्ट नंबर इज 50 एंड द सेकंड नंबर इज 60। इट मीन्स दैट इट इज स्टोरिंग आवर नंबर्स, यानी हमारे नंबर्स को सेव कर रहा है, ले भी रहा है और सेव भी कर रहा है। फिर से टेस्ट करेंगे यहाँ पे बिल्ड एंड रन, एंड देन इसको जूम करेंगे, अब वैल्यूज चेंज करते हैं। पहला नंबर देते हैं 99, दूसरा देते हैं 101। तो अब जब एंटर करेंगे तो ये क्या बोलेगा, द फर्स्ट नंबर इज 99 एंड द सेकंड नंबर इज 101। तो इट मीन्स दैट आवर प्रोग्राम इज वर्किंग करेक्टली, हमारा प्रोग्राम ठीक चल रहा है। अब आगे आते हैं इसी तरह, जिस तरह हम करते थे अभी, यानी ग्रेटर लेस देन, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यानी कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। तो यहाँ पे क्या 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 करोगे आप, शाबाश इफ यूज करेंगे। पहले तो हमें एक, चलो छोड़ो, डायरेक्टली इफ यूज करेंगे। इफ के अंदर आप देते हैं कंडीशन, क्या देंगे कंडीशन, यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, जिस तरह अभी किया था सेम उसी तरह। अगर फर्स्ट ग्रेटर देन है सेकंड से, यहाँ पे आप स्पेसेस भी यूज कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अगर फर्स्ट ग्रेटर देन है सेकंड, तो हाँ उसको हटा देते हैं। अगर फर्स्ट ग्रेटर देन है सेकंड, तो यहाँ पे प्रिंट एफ यूज करेंगे। तो प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखेंगे, द कंडीशन इज ट्रू, द आप कुछ भी लिख सकते हो, समझ आ रही है बात, ये आपकी मर्जी है। द कंडीशन इज ट्रू, टी आर यू ई, बस इतना मैं लिखूंगा, नंबर वंबर उसमें प्रिंट नहीं करूंगा। और उसके बाद यहां पे आ जाते हैं और यहां पे एंटर करके एल्स यूज करेंगे, ठीक। अभी हम दो ही यूज करेंगे, बाद में दिखाऊंगा तीसरा कैसे यूज करते हैं। तो एल्स में क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ शाबाश द कंडीशन इज फॉल्स, सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन, द कंडीशन इज फॉल्स, बस ये दो चीजें काफी है। अब हम सेव करते हैं और यहां पे आते हैं बिल्ड पे, बिल्ड एंड रन करेंगे। अब यहां पे क्या बोल रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मैं दूंगा 40, दूसरा दूंगा 30। तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है ना, तो विल प्रेस एंटर, तो यहां पे बता रहा है कंडीशन इज ट्रू, ठीक। फिर से रन करते हैं, अब कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, यहां पे करेंगे बिल्ड एंड रन। अब यहां पे हम यूज करेंगे कंडीशन फॉल्स, 90 दूंगा मैं पहला, दूसरा दूंगा 101, तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि कंडीशन है क्या, कंडीशन ये है कि फर्स्ट ग्रेटर देन है सेकंड। तो फर्स्ट हमने क्या लिखा 90, तो दूसरा क्या लिखा 101, इट मींस दैट कि 101 इज ग्रेटर देन 90, व्हिच मींस दैट कि 90 इज नॉट ग्रेटर देन 101, तो द कंडीशन इज फॉल्स। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो यहां पे बता रहे थे कंडीशन इज फॉल्स, तो दोनों स्टेटमेंट रन हो गए, ठीक है। अब तीसरी चीज समझो, तीसरी चीज में यहां पे हम कर सकते हैं काम, यानी तीसरी चीज हम क्या करेंगे इसमें, देखो अब यहां पे आप समझो, यहां पे मैं नई चीज इजाद करने लगा हूं, यानी नई चीज। अब मैं यहां पे बताऊंगा एल्स इफ, क्या इसको बोलते हैं एल्स इफ लैडर, क्या बोलते हैं, हाँ, तो यहां इफ एल्स, सॉरी इफ एल्स लैडर। तो यहां पे मैं दूसरी कंडीशन देने वाला हूं, क्या दूंगा दूसरी कंडीशन, तो उसमें मैं क्या लिखूंगा, उसमें मैं कंडीशन चेंज करूंगा, मैं कहूंगा इफ फर्स्ट इज इक्वल टू, शाबाश क्या इज इक्वल टू सेकंड, इक्वल टू इसमें इस तरह लिखा जाता है, एक ही इक्वल टू नहीं, दो बार इक्वल टू लिखना पड़ता है, समझ आ रहा है। ये क्यों करते हैं हम, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप इस कंडीशन को समझो। तो यहां पे मैं बताऊंगा इसका, ये जो ये वाली चीज जो मैं ये चेंज करने वाला, द कंडीशन इज इक्वल, क्या बता रहा हूं मैं, वेरी गुड। अब उसके बाद तीसरी जो रहेगी वो हमारी एल्स आएगी, क्या रहेगी एल्स, ई एल एस ई, ई एल एस ई। एल्स में हम क्या करेंगे, वापस वही लिखेंगे प्रिंट एफ, अब मैं तीन कंडीशन यूज करने लगा हूं, प्रिंट एफ, और इसमें क्या करेंगे द कंडीशन डी आई टी आई ओ एन, कंडीशन इज फॉल्स, वेरी गुड, ठीक है। कोई शक इसमें, कोई क्वेश्चन, वेरी गुड। तो चलिए अब हम करते हैं बिल्ड एंड रन, जब हम बिल्ड एंड रन करेंगे तो यहां पे भी क्या बता रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर में दूंगा 50, हम तीनों कंडीशन को देखेंगे, दूसरा देंगे 30, तो क्या है कंडीशन, क्या है ट्रू, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहां पे बताया जाएगा द कंडीशन इज ट्रू, होगी ये एक कंडीशन। अब दूसरी वाली देखते हैं, यहां पे करेंगे बिल्ड एंड रन, वापस यहां पे लिखेंगे दूसरी कंडीशन, दूसरी में हम लेंगे पहला 60 और दूसरा लेंगे 80, अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स, तो डायरेक्टली किस पे जाएगा, एल्स पे, इस वाले एल्स पे, यानी तीसरी वाली पे। जैसे ही एंटर करेंगे तो क्या बता रहा है, कंडीशन इज फॉल्स। अब तीसरी चीज देख लो जो हमने नया इसमें डाला, दैट इज दिस थिंग, कि हम यहां पे बिल्ड एंड रन करेंगे और बिल्ड एंड रन करने के बाद यहां पे आ जाते हैं, यहां पे दे रहा हूं मैं 50, एंटर करके दोनों 50, इट मींस दैट कि द कंडीशन इज
इक्वल है ना। तो जब हम एंटर करेंगे तो क्या बता रहा है, आया समझ? तो इट मीन्स दैट कि हम जब दोनों जगह से दोनों साइड से वैल्यू सेम पास करेंगे तो यहां पे रिजल्ट क्या आ गया था, कंडीशन इज इक्वल, जो कि हमने यहां पे रखा है एल्स इफ में फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, तो 50 इज इक्वल टू 50 देन द कंडीशन इज इक्वल। आया समझ? है ना, इजी। अब तो इस तरह से आप ये कंडीशन कर सकते हो। अब मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था कि आप लोग जो है 3 नंबर्स का इफ एल्स यूज करोगे। अच्छा, और एक चीज पहले करते हैं हम इस सब, ये आया समझ? तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस सारी चीजों को हटा देता हूं, मुझे ये जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज में मैं क्या करूंगा, इवन ऑड पहले हम वो करेंगे। तो इवन ऑड के लिए हम क्या करते हैं, शाबाश, इवन ऑड के लिए हम सबसे पहले एक इंटीजर लेंगे। क्या लेंगे? इंटीजर, उसका नाम रखेंगे आई, इक्वल टू इसको जीरो के बराबर रख दो, ये आपकी मर्जी है, या कुछ भी रवात रखो, तो जीरो मैंने रख दिया। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे हम प्रिंट एफ कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम यूजर को ही बताएंगे कि चेक की जरूरत, कौन सा नंबर आपको ये जानना है कि ये इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू जीरो प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट एंटर योर नंबर, हमें एक ही चाहिए ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बताएंगे एंटर योर नंबर, तो वो नंबर लिखेगा, हम उसको स्कैन करेंगे। स्कैन किस में कराएंगे, परसन डी, क्योंकि डेसिमल ही नंबर लिखना चाहिए। एंड देन यहाँ पे कॉमा करके, नहीं पहले परसन डी किस में हम लिखते हैं, कोड्स में। वेरी गुड। तो यहाँ पे परसन डी यूज करेंगे एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर कॉमा करके इसको किस में स्टोर कराएंगे, वेरी गुड, लेकिन एड्रेस ऑफ द आई, ठीक। तो उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। अब देखो आप इफ एल्स हम कैसे यूज करेंगे, हम बोलेंगे इफ, अब कंडीशन यहाँ पे चेंज होगी, क्या होगी कंडीशन, इफ आई, क्या इफ आई परसन टू, क्योंकि टू के बराबर है, इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन आपको समझिए, ये थोड़ी नई कंडीशन है ना, तो हम बोलेंगे प्रिंट एफ, बाकी सारा वही है जो अभी, इसका कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी वही है, प्रिंट एफ शाबाश द कॉमन द नंबर इज एवन, सही है ना। और उसके बाद यहां पे परसेंट डी यूज करेंगे और उसके बाद इसके बाहर आने के बाद यहां पे लिखेंगे आई, क्योंकि आई के अंदर स्टोर होगा, है ना, इजी। देन दूसरी चीज, अब इसको छोड़ दो, बाहर आते हैं, अब डायरेक्टली एलस प्रिंट करेंगे, हाँ ई एल एस, एलस में हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रिंट एफ, वेरी गुड, प्रिंट एफ, और यहां पे ब्रैकेट और उसके अंदर क्या लिखेंगे, द नंबर या द एंटर्ड नंबर इज ऑड, चलो हम नंबर भी दे रहे हैं आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देन पर्सन डी और उसके बाद यहां से बाहर आ जाइए कॉमा करके आई, सेम आई ही। अब पहले इस कंडीशन को समझो, ये क्या है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन दैट कि आई के अंदर जो नंबर है, क्योंकि वो हमने ऊपर सेव कराया ना, हाँ आई के अंदर जो नंबर है, अगर उसको डिवाइड करते करते, या जिसको हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ द नंबर, मॉडुलस ऑफ द नंबर, अगर वो मॉड यानी मॉड ऑफ दैट नंबर टू इक्वल टू, अगर उसका रिजल्ट आया जीरो, क्या आया जीरो, तो हम बोलेंगे नंबर इज एवन। अगर जीरो की जगह वन आया, जब आप ये बात आप मेरी याद रखोगे, ये एक उसूल है, जिस भी नंबर को आप टू से डिवाइड करोगे ना, दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, खाली दो ही रिजल्ट्स आ सकते हैं, बात आ रही है मेरी समझ। आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे ना टू से, तो दो ही रिजल्ट पॉसिबल है, तीसरा आएगा ही नहीं, या तो जीरो रिजल्ट आएगा या वन रिजल्ट आएगा। इसको आप प्रैक्टिकल में कर सकते हो, ठीक है, आप 90 को डिवाइड करो टू से तो 245 हजार, तो रिजल्ट क्या आया जीरो। अब 91 को करो तो 245 हजार 90, तो रिजल्ट क्या आया, अब 92 को करो जीरो, 93 को करो वन, तो यही होगा, या तो जीरो रिजल्ट आएगा या वन आएगा। तो यही मैंने यहां पे बताया, इफ द मॉडुलस ऑफ द आई मॉडुलस टू ऑफ आई इक्वल टू जीरो देन द नंबर इज इवन, अदरवाइज द नंबर इज ऑड। समझ आया, बहुत ही इजी है। तो यहां पे बिल्ड एंड रन करते हैं, अब देखते हैं, हम एक नंबर लिखेंगे उसको टेस्ट करेंगे, एंटर योर नंबर, यहां पे मैं लिख रहा हूं 50, व्हाट इज 50, इवन और ऑड, इवन है ना भाई, तो अब एंटर करेंगे तो क्या बता रहे, द नंबर इज इवन, तो सही है ना। अब दूसरी चीज कर लो, यहां पे अब ऑड नंबर लेते हैं, यहां पे रन करेंगे, अब मैं ले रहा हूं नंबर जो भी आपकी मर्जी, लास्ट में मैंने 5 दिया, इट मींस दैट दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, एंटर करेंगे तो यहां पे क्या बताया, द नंबर इज ऑड, और यहां पे नंबर भी दिखा रहा है, बात आ रही है समझ। तो दिस इज कॉल्ड इवन ऑड। यहां पे हम क्या करने वाले हैं, हम लेंगे इंट, तीन इंटीजर्स लेंगे हम, कितने, तीन,
ए कॉमा बी कॉमा सी, या आप वैल्यू भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो तीन वैल्यूज हम लेंगे, तो अब इन तीनों वैल्यूज को, यानी तीन हमने वेरिएबल्स तीन लिए, अब इन तीनों वैल्यूज का जो है हम यूजर से ही वैल्यू लेंगे। तो एक ही झटके में वो हम कैसे करते हैं आप उसको देख लीजिए। ये हम अभी तक अलग अलग कर रहे थे ना अभी, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि एक साथ हम कैसे तीन वेरिएबल्स का वैल्यू भी ले लेंगे और उसको सेव भी कराएंगे। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा, एंटर नंबर, एंटर योर नंबर, या डायरेक्टली हम इसमें कोई मैसेज प्रिंट करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली बताएंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, एंटर थ्री नंबर्स एट अ टाइम, एंटर थ्री नंबर्स, क्योंकि हम एक ही बार करने वाले हैं ना। तो एंटर थ्री नंबर्स, ये मैंने मैसेज प्रिंट की। अब स्कैन कराएंगे, स्कैन अब किस में कराएंगे, यानी स्कैन करेंगे स्कैन एफ में। अब यहाँ पे क्या यूज होगा शाबाश, बताओ जल्दी, पर्सन डी तीन बार, पर्सन डी, इसमें कोई शक, कोई क्वेश्चन? एड्रेस ऑफ द कॉमा, एड्रेस ऑफ द बी कॉमा, एड्रेस ऑफ द सी, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, यानी जो पहला नंबर होगा वो ए में सेव होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो बी में सेव होगा, और जो तीसरा नंबर होगा वो सी में सेव होगा, बाकी इसमें कुछ नया नहीं है, इतना ही है। अब कंडीशन को आप समझ लो, पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं, ये अच्छी चीज़ है टेस्ट करना, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, जब आप बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हो तो बेसिक में प्रॉब्लम कोई होती है तो फिर समझ ही नहीं आता, इस पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं ना। तो साथ साथ टेस्टिंग करनी बहुत ही बढ़िया रहती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ, तो यहाँ पे करेंगे नंबर्स आर, यहाँ लिखेंगे एंटर नंबर्स आर, आर ई डी, ई एन टी ई आर ई डी, यही है एंटर नंबर्स आर, पर्सन डी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इनको ये कर लो, कॉमा भी यूज कर लो, कॉमा, यहाँ पे कॉमा कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तीन। अब उसके बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक, एंड क्लोज कर लो। अब सेव करते हैं और यहाँ पे बिल्ड एंड रन करेंगे। देखो सी कहना हमें प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रैकेट भूल गए हम, तो वापस करते हैं बिल्ड एंड, यहाँ पे करते हैं बिल्ड एंड रन। देखो यही चीज़ें देखनी होती है, एंटर थ्री नंबर्स, अब पहला नंबर में 12 और उसके बाद स्पेस 23 स्पेस 34, अब एंटर करूंगा यहाँ पे, बताओ एंटर नंबर्स आर 12, 23 एंड 34, काम अभी आ गया, yes, है ना, बढ़िया, yes, तो कैसे लिखेंगे तीन नंबर्स, पहला एक नंबर लिखेंगे फिर स्पेस, दूसरा नंबर स्पेस, तीसरा नंबर स्पेस, का मतलब हो गया कि एक नंबर हो गया, यहाँ तक एक नंबर है, यहाँ तक दूसरा नंबर। अब आप यहाँ पे और एक टेस्ट कर लो, आप यहाँ पे कर लो तीन नंबर्स यूज, हम करेंगे बिल्ड एंड रन, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 2 3, ठीक है, स्पेस 12 स्पेस 3 5 4, आप देखो इसने वही नंबर लिखे, 1 2 3 12, एंड यहाँ पे दो ही क्यों लिखे, क्योंकि मैंने दो के बाद ही स्पेस यूज किया, आया समझ, तो स्पेस मीन्स वन नंबर इज कंप्लीटेड। चलो इसको हटा दो वापस, हमें जरूरत नहीं, अब टेस्टिंग हो गई। अब इफ को देख लो, यही कंडीशन आपको देखनी है कि तीन नंबर्स में कैसे करना, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बात आई समझ। अब दूसरी चीज हमें क्या देखना है, यहां पे मैं तीन कंडीशंस आपको दिखाऊंगा, यहां पे एंड यूज करूंगा, एम्बरसन, इसका मतलब क्या होता है, एंड दो, जिस तरह एक दो इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, एक इक्वल, इसी तरह यहां पे दो एंड का मतलब होता है एक एंड, यानी कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, और एंड का मतलब क्या होता है, और बी इज ग्रेटर देन सी, बात आ रही है समझ, ये ही है कंडीशन, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इट मीन्स दैट आप प्रिंट कराओगे, नहीं नहीं नहीं, आप देखो ना कंडीशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, इसमें मजा आएगा ज्यादा। हम लिखेंगे कि ए इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, फिर यहां पे नंबर भी प्रिंट कराएंगे, पर्सन डी कॉमा ए, वो आपको समझ आ रही है भाई, चलो इसको रन करते हैं, यहाँ पे जाएंगे किसमें, बिल्ड में एंड बिल्ड एंड रन। हमने कंडीशन क्या लिखी है, ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, और बी ग्रेटर देन होना चाहिए सी से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 लेंगे पहला, उसके बाद दूसरा जो है वो लेंगे 32, सॉरी मैंने एंटर किया, चलो कोई बात नहीं, और तीसरा नंबर जो है वो क्या लेंगे भाई, वो लेंगे 10। तो अब ए ग्रेटर देन बी से है, ठीक है, और बी भी ग्रेटर देन सी से, तो अब एंटर करेंगे तो क्या बताएगा, ए इज ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे दिखा रहा है कौन सा ग्रेटेस्ट क्यों है, क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, A. है ना, yes,
बस इतना ही करना है, बस अब इसी को कॉपी कर लो क्योंकि टाइम हो चुका है। अब मैं इसी को कॉपी करूंगा टाइम बचाने के लिए। अब मैं बता रहा हूं यहां पे इफ, यहां पे आपको चेंज करनी होगी, इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, समझ आ रही बात? इफ इफ पहले कंडीशन को देखे, यहां पे एल्स इफ यूज होगा, वेरी गुड, एल्स इफ, ई एल एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी एंड ए इज ग्रेटर देन, यहां पे ए इज ग्रेटर देन सी आएगा, यानी बी होना चाहिए ए से भी ग्रेटर देन और ए होना चाहिए सी से ग्रेटर देन, या आप इस तरह भी लिख सकते हो बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन, वो समझ आ रही है कुछ? अगर मैं यहां पे ये कहूंगा बी इज ग्रेटर देन ए और फिर जिस तरह मैंने अभी लिखा ए शुड बी ग्रेटर देन सी, तो इसमें कंडीशन चेक होने वाली है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो व्हाट डज इट मीन? B is also greater than both. है ना? B is greater than both. तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? B is greater, greatest at percent D. यहाँ पे कौन सा नंबर प्रिंट कराएंगे बेटा? B. Sorry, small B. समझ आया? चलिए आप रन करते हैं, दोनों कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ पे build and run करेंगे। पहला नंबर लिखेंगे 10 या 12, ठीक है? दूसरा लिखेंगे 23, तीसरा लिखेंगे 11. अब बताओ कंडीशन क्या है? यानी बी इज ग्रेटेस्ट है ना, B greater than A से और A greater than A है ना, तो एंटर करेंगे या क्या बताएं? B is greatest number 23, यानी 23 is the greatest. आया समझ? अब इसी तरह C ले लो, C should be greater than A, C should be या A should be greater than B. वो आया समझ? Yes, sir. तो उसमें भी else if करोगे क्या? Yes, sir. इसमें भी else if करोगे use. Else if C greater than A and A greater than B, बात आ रही है समझ? और इस चीज को भी कॉपी कर लो। अब कितना लिखूं मैं? प्रिंट एफ सी इज ग्रेटेस्ट एंड यहां पे क्या कराएंगे? प्रिंट सी, सेव कर लो और यहां पे बिल्ड एंड रन करो। एंटर थ्री नंबर्स, पहला लिखेंगे 12, दूसरा लिखेंगे ए से ग्रेटर होना चाहिए तो वो लिखेंगे 10, और तीसरा क्या लिखेंगे? 30. अब बताओ क्या है? C है ना सबसे ग्रेटेस्ट, एंटर करो C इज ग्रेटेस्ट नंबर एंड 30, बात आ रही समझ? अब मैंने यहाँ पे एलएसएफ क्यों किया? क्योंकि मुझे और एक एलएसएफ यूज करना है, एलएसएफ और एक यूज करना है, या हम डायरेक्टली कंडीशन ट्रू कराएं ये कराएंगे, लेकिन उसमें कंडीशन देनी थी, इसमें डायरेक्टली करना था, कोई बात नहीं, चलो हम एलएसएफ ही यूज करेंगे। क्या करेंगे हम? एलएसएफ ही यूज करेंगे, ई एल एस ई एलएसएफ। अब चौथी कंडीशन देखो, इसमें बहुत सारी कंडीशन आप बना सकते हो, ठीक है? इफ ए इज इक्वल टू, शाबाश, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज एंड, या आप बोल सकते हो ए इज इक्वल टू सी, सॉरी इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? हाँ, प्रिंट एफ, तो मैसेज क्या प्रिंट कराएंगे? द नंबर्स आर द ऑल नंबर्स, All the numbers are, है ना अच्छी कंडीशन? All the numbers are equal. E Q U A L L, E Q U A L, A की L काफी है ना, ठीक? The numbers are equal. अब उसके बाद क्या करेंगे? Percent D, comma, percent D, comma, percent D, और उसके बाद यहाँ पे बाहर आएंगे comma करके A, comma, B, comma, C, ठीक है? And close it, save it and run it. अब तीनों नंबर सेव लिखते हैं, 10 कामा 10 कामा 10, ऑल द नंबर्स आर इक्वल 10 10 एंड 10, आगे तीन कंडीशन। अब आप और भी कंडीशन, चार कंडीशंस होगी, अब आप फिर से एलएसएफ यूज करोगे, अब आप इन कंडीशंस को फॉल्स कराओगे, किन कंडीशंस को? इन कंडीशंस को, यानी आप बोलोगे कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी एंड बी शुड नॉट बी ग्रेटर देन सी, समझ आ रही है बात? तो इस तरह से आप इसमें तकरीबन 12-13 कंडीशंस बना सकते हो, समझ आ रही है बात? तो इनको कर लेना, जो भी कंडीशंस बाकी रह गई इनको कर लेना, जो नहीं आएगी मुझे कल बता देना, इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है? बराबर 11 बज गए, ठीक? कोई क्वेश्चन? समझ आया? नो सर।